हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर जॉब अलर्ट। न्यू रिक्वायरमेंट आई है हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी HSLS से कैथल के अंदर जिला विविध सेवा प्राधिकरण कैथल। सुविधा आधार पर चपरासी, कार्यालय सहायक व डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के ऊपर भर्ती रहेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए काफ़ी कीमती रहेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। और अगर किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरवाना हो तो फ्यूचर जॉब अलर्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, 90 रुपीज़ फीस ली जा रही है आपसे। चपरासी के पदों के ऊपर ऑफलाइन फॉर्म रहेगा ये। चपरासी के पदों के ऊपर भर्ती 18 से 42 साल आयु रहेगी और निगम दर के अनुसार वेतन रहेगा, 10वीं पास रहेगी। कार्यालय सहायक के अंदर भी 18 से 42 साल आयु रहेगी और सभी का निगम दर अनुसार वेतन रहेगा। स्नातक पास व कंप्यूटर ऑपरेटर व डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य का ज्ञान होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर में 18 से 42 साल आयु रहेगी, निगम दर के अनुसार वेतन रहेगा। स्नातक पास व कंप्यूटर टाइपिंग व वार्तालाप का ज्ञान होना। आयु की गणना जो है 1 अगस्त 2022 के अनुसार की जाएगी। हरियाणा निवासी आरक्षित वर्ग को आवेदन को ऊपरी आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क जो है निःशुल्क भर्ती रहेगी। आवेदन पत्र अपने शहर गाँव ऑफलाइन फॉर्म विक्रेता से खरीद सकते हैं आप किसी भी। फॉर्म जो आपको भेजने का पता और फॉर्म की जो लास्ट डेट 12/9/2022 रहेगी और जहाँ पे आपको फॉर्म भेजना है वो पता इस प्रकार से रहेगा। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम्स के रेस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ADR सेंटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स कैथल 136027 हरियाणा के पते के ऊपर आपको आवश्यक दस्तावेजों स्वयं स्थापित प्रतिलिपियों सहित व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से फॉर्म पहुंचा सकते हैं। फॉर्म के जो है साथ में आपको शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता, जन्मतिथि हेतु 10वीं लगा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि यदि पद से संबंधित आपके पास अनुभव हो तो, एक समय का पूरा डाक लिखा लिफाफा बिना टिकट का हो, कंप्यूटर व अन्य कोई योग्यता प्रमाण पत्र जो आपकी योग्यता दर्शाए तो वो लगा सकते हैं आप साथ में। आधार कार्ड या अन्य किसी भी आईडी प्रूफ की प्रतिलिपि आपको साथ में लगानी है। एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ में पोस्ट का नाम और कैटेगरी जो है आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में फिलअप करनी है। किसी प्रकार की कटिंग या और कटिंग नहीं करनी है, अन्यथा आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। एक से अधिक पद के लिए आप अलग अलग फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।